Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to every student. I hope you all are fine and good. Today I am going to deliver the lecture number 5, class 5. Subject is the science factor. Date is 18 December 2020 and day is Friday. Students, you know we are studying about matter and states of matter in the unit number 8. We have done question number 1. Of lesson number 1, question number 1 and 2 of lesson number 2 in the previous lecture. So today we are going to start question number 3 and question number 4. This one is question number 2 and this one is question number 3. We have done question number 2 in the previous lecture. So come on the question number 3. Question number 3 is, how does the freezing of matter take place? जो फ्रीजिंग होती है वो फ्रीजिंग का प्रोसेस कैसे होता है किसी भी मैटर का. तो लास्ट टाइम हमने फ्रीजिंग, मेल्टिंग, कंडेंसेशन वगैरह पढ़ा था और उसमें किस स्टेट से किस स्टेट में चेंज होती है इन फ्रीजिंग के दौरान मैटर किस स्टेट से किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ये भी देखा था और कहाँ पे हीट एंटर होती है और कहाँ पे हीट रिलीज होती है ये भी हम देख चुके थे. अब आपको पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग में हीट जो है वो एंटर होती है या रिलीज होती है और फ्रीजिंग में जो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मैटर है वो किस स्टेट से किस स्टेट में चेंज होता है. जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को याद होगा कि किस स्टेट से किस स्टेट में जो मैटर है वो चेंज होता है. तो हम देखते हैं आंसर इसका. इन फ्रीजिंग मैटर चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड इनटू सॉलिड. फ्रीजिंग में क्या होता है, जो कोई भी मैटर होगा वो लिक्विड से किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है. ठीक है, यहाँ बेटा जी यहाँ पे आपके नोट्स पे मैटर लिखा होगा तो मैटर को आपने रिमूव करके सॉलिड लिख लेना है. क्या लिख लेना है, सॉलिड लिख लेना है जी. तो अब हम आते हैं कि फ्रीजिंग से, फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं वॉटर की. वॉटर को जब हम फ्रीज, वॉटर फ्रीज करने से पहले किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में. लेकिन जैसे ही हम उसे फ्रीजिंग के लिए रखते हैं वो फ्रीज हो जाता है तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, आइस बन जाती है. तो आइस किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है. किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है. नेक्स्ट है, इट डज दिस बाय टेकिंग अवे एनर्जी. जब ये प्रोसेस हो रहा है तो उसमें से एनर्जी जो होती है, एनर्जी या जो हीट होती है वो रिलीज हो रही होती है. ठीक है, जब फ्रीजिंग के लिए हम उसे रखते हैं तो उसके अंदर से जो हीट होती है वो रिलीज हो रही होती है. जैसे जैसे हीट रिलीज होती है, वन लिक्विड इज फ्रोजन द पार्टिकल स्टॉप मूविंग एंड बिकम सॉलिड. आपको पता है जो लिक्विड होते हैं उसके पार्टिकल्स होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं. ठीक है, लेकिन जैसे ही वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, तो सॉलिड फॉर्म के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं. क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और वो मूव करना बंद कर देते हैं. जी, ये गैस के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, जब हवा होती है तो उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं. लिक्विड जो होता है उसके पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होते हैं लेकिन वो मूव कर रहे होते हैं. और सॉलिड में बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए, टाइटली पैक्ड होते हैं. ठीक है, तो अब हमारा वाटर फ्रीजिंग से पहले लिक्विड में था तो उसके जो पार्टिकल्स थे वो ऐसे थे और वो मूव कर रहे थे. लेकिन जैसे इसने अपनी एनर्जी इन पार्टिकल्स ने खो दी, यानी इन, ये फिर क्या हो गया, जब फ्रीज हो गई, जब आइस बन गया हमारा वाटर, तो क्या हो गया, उसके पार्टिकल्स ऐसे बन गए, यानी उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वो टाइटली पैक हो गए. और टाइटली पैक होने की वजह से हमारा जो वाटर है वो किसमें चेंज हो गया, सॉलिड में. सॉलिड में मतलब आइस में. ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि जो फ्रीजिंग प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, इसमें जो हीट है वो रिलीज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंडेंसेशन. के कंडेंसेशन क्या होती है, कंडेंसेशन में भी हम पढ़ चुके हैं कि कंडेंसेशन में भी हीट रिलीज होती है. ठीक है, लेकिन कंडेंसेशन में कौन सी स्टेट किस स्टेट में चेंज होती है, मैटर किस स्टेट से किस स्टेट में चेंज होता है. कंडेंसेशन हैपन्स व्हेन अ गैस इज कोल्ड सो मच दैट बिकम्स अ लिक्विड. कंडेंसेशन में जो गैस होती है वो गैस चेंज हो जाती है लिक्विड में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके हम देखते हैं, अपने वॉटर साइकिल से एग्जाम्पल लेते हैं. वॉटर साइकिल में जब इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन से पहले जो वॉटर होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है. लेकिन जैसे ही उसे हीट मिलती है तो हीट मिलने की वजह से वो लिक्विड में किससे चेंज, किस में चेंज होता है, लिक्विड से
गैस में चेंज होता है, वो तो होती है इवेपोरेशन। लेकिन अब कंडेंसेशन की बारी है, वो जो गैस होती है ना इवेपोरेशन की, वो स्काई पे चले जाती है। स्काई पे जाके वो क्या करती है, उससे स्काई पे जब जाती है तो उसे कूल जो एयर होती है ना वो मिलती है। कूल एयर जैसे ही उस गैस को मिलती है तो वो दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इस गैस से लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन में मैटर गैस से लिक्विड में चेंज हो जाता है। दिस हैपन बिकॉज द पार्टिकल्स इन द गैस लूज एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग टूगेदर। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं। यानी गैस में आपको पता है पार्टिकल्स ज्यादा दूर होते हैं और लिक्विड में कम दूर होते हैं, तो इनमें और ज्यादा इनकी एनर्जी जो है वो खो जाती है या लूज हो जाती है। जैसे इनकी एनर्जी लूज होती है तो वो क्या करते हैं, वो थोड़े थोड़े पास आ जाते हैं। जैसे लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे हैं, तो पहले ऐसे होते हैं जब गैस में होते हैं, लेकिन जैसे ही वो लिक्विड में चेंज होते हैं तो उसके पार्टिकल्स ऐसे हो जाते हैं और वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। इस तरह कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने ये क्वेश्चंस लर्न करने हैं, और लर्न करने के बाद इन्हें अच्छे से आप लोगों ने सेपरेट शीट पे नीटली बेटा काम किया करें, अपना काम नीटली किया करें। ऊपर अपनी टीचर का नेम, ऊपर अपना नेम, और प्यारा प्यारा लिखा करें। क्वेश्चंस को मार्कर से प्यारा सा लिखा करें और लाइन के ऊपर ऊपर लिखा करें प्यारा प्यारा। ठीक है, और पेपर्स को अच्छे से पिनअप करके फिर सेंड किया करें अपने नोट्स को। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।